बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जॉब्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास तालीम प्राइमरी है या उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है या एफ ए किया हुआ है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कौन कौन जॉब इस वक्त अवेलेबल है, आपने अप्लाई कैसे करना है, आखिरी तारीख कौन सी है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। सबसे पहले दोस्तों आपने काम ये करना है, गूगल को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है पाक मजदूरी। पाक मजदूरी लिखने के बाद आप रिसर्च करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पाक मजदूरी .com, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऊपर आपको कैटेगरी नज़र आ रही है गवर्नमेंट जॉब, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जो आपकी डिग्री के मुताबिक है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू जॉब्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम तरह तफसीलात दोस्तों ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन की बात करूँ तो प्राइमरी मैट्रिक एफ ए आपके पास है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी नेम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 9 तारीख इसकी आखिरी तारीख है, 9 दिसंबर से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 14 मुख्तलिफ कैटेगरी की जॉब अवेलेबल है। जॉब टाइप की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब है। कौन कौन जॉब इस वक्त अवेलेबल है यहाँ पे आपको बता दिया गया है। सबसे पहले स्टेनो टाइपिस्ट की जॉब अवेलेबल है। तालीम की ज़रूरत आपको एफ ए होगी, 6 इसकी आसामियाँ खाली है। लोअर डिवीजन क्लर्क के दूसरे नंबर पे जॉब अवेलेबल है। मैट्रिक की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 आसामी इसकी खाली है। इसके बाद ड्राइवर की 1 आसामी खाली है। प्राइमरी अगर आपने पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 आसामियाँ इसकी खाली है। चौथे नंबर पर नैब कासिद की 4 आसामियाँ खाली है। प्राइमरी पास अगर आपने किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का इश्तहार दे दिया गया है, तमाम तर तफसीलात इसके ऊपर लिखी हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीकाकार है, आपने अपनी सीवी तैयार करनी है। सीवी के साथ आपने जो भी आपके ज़रूरी कागजात हैं आपने वो लगाने होंगे, आपका डोमिसाइल वगैरह और आपकी शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, तमाम तर तफसीलात जो भी ऊपर आपको बता दी गई है। ये एड्रेस आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के इश्तहार के ऊपर, आप इस एड्रेस के ऊपर अपने सीवी को आखिरी तारीख से पहले पहले जमा करवा सकते हैं। आखिरी तारीख मैंने बता दिया है 9 दिसंबर है, तो आपने 9 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।